क्रैश 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 क्रैश। गाड़ी क्या चला रहा है स्टाइल में? हम नील गाय घूम करके आपको दिखा रहे हैं और बहुत सारा ही नील गाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से कहीं घूमने उमने जा रहा हूँ, सोचा छोटा सा मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ तो आपको भी घुमाओ और घूमो। तो जो भी होगा आज व्यू रास्ते का छोटा सा मोटो ब्लॉग, जो भी होगा घूमेंगे और घुमाएंगे आप लोग को। चलिए मजे लीजिए रास्ते का और चलते हैं फुल ऑन मस्ती करते हैं। तो क्या क्या होता है, अभी तो दोस्त के घर पे जा रहे हैं, वहाँ से फिर जाना है, तो पूरे रास्ते का मज़ा दिखाएंगे। और मेरा आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, बेल आइकन दबाए और सब में शेयर करें, अपना प्यार दे मेरे चैनल को, जल्दी से जल्दी बन के आप लोग कंप्लीट करवाएं। तो चलिए अभी राइड का मज़ा लेते हैं और देख सकते कुछ इस तरह का नज़ारा हमारे मोहल्ला का। लीची वाची कितना प्यारा लगता है, जब ये कट जाएगा इसमें प्लॉटिंग हो जाएगा घर बनेगा तो यार बेकार से लगेगा। जो अभी हरा भरा है खिला खिला सारा कुछ, और मौसम कुछ आज ऐसा है, थोड़ा मोड़ा धूप है, गर्मी है, सब कुछ है, तो चलेगा इतना गर्मी चलेगा। और बीच में जो 44 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा था वो ऐसा नहीं चलेगा, अभी नॉर्मल टेम्परेचर है तो चलेगा, ना होना चाहिए गर्मी बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भवानी से ज़्यादा नहीं। अपने राइट हीरो हुंडा, फालतू का फ्री तेल जलाता है लड़ना, 25 लाख का महीना कमाता है, आप लोग देख सकते हो, ओनली 25 लाख मंथली इनकम। काश ऐसा होता, अगर कोई लड़की हो आपके नजर में तो बताइए इस लड़के की। ये मैं नहीं बताऊंगा। और चलिए ओ माय गॉड, मोटो ब्लॉग का मजा लेते हैं और रास्ते का कुछ यूनिक यूनिक व्यू आप लोग को दिखाते हैं। कौन सा गांव है वो? तो हम लोग अभी सरैया गांव में है, सरैया गांव का नजारा आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है। तो देख सकते हैं खेत में क्या है, नील गाय, झूम करके आपको दिखा रहे हैं और बहुत सारा ही नील गाय है। और वो क्या है अनमोल? नील गाय, वही बड़ा वाला नील गाय है, आप लोग देखिए। मर्द गाड़ी रोकिए ना, धीरे धीरे 2 मिनट रुक लीजिए, देख सकते कितना सारा नील गाय है, जो खेत में जो भी अनाज रहता है उसको बर्बाद कर देता है ये क्या। तो चलते हैं अब सफर की तरफ, ये सुनसान रास्ता, ये सुनसान रास्ता, वो भी इस लड़के के साथ। थोड़ा डर लग रहा है, इस लड़के के साथ आने में थोड़ा डर लगता है। क्यों मेरे साथ डर लगता है? वो लड़का जितना शरीफ आपको चेहरे से दिखता है उतना है नहीं, समझ सकते आप, प्योर लोडियाबाद। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी, देख लीजिए इस चेहरे प्योर लोडियाबाद। अच्छा, अभी आप गाछी का नजारा देख सकते हैं, गाछी का मजा, ओह माय गॉड। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल, लोकेशन तो बहुत मस्त है। और ये नहर है ना, और ये आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बांध पे मैं जा रहे हैं, राइड कर रहे हैं अपनी गाड़ी के साथ, और अब चलेगा राइड है। ओ क्रैश 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 क्रैश। गाड़ी क्या चला रहा है स्टाइल में, गाड़ी चल रहा है लाल उड़ाते हुए। वही वही चाचा जी लहरा रहे हैं टेम्पो में, वही वही
थरथरा रहे हैं चाचा जी टेम्पो में, काहे गोरी थरथरा रहा है वो, थरथरा रहे हैं। क्लास क्लास, लड़का का दिमाग हिल गया है। अब देखिए नजारा गांव का कुछ आप लोग, अच्छा गांव है। हम लोग थोड़ा सा मार्केट है इस गांव में, चौक कह सकते हैं, उसका नज़ारा आप लोग देखिए। क्रैश क्रैश क्रैश, और ये कुछ नज़ारा है मार्केट का, क्या नज़ारा है आप लोग देख सकते हैं। इस पेड़ का कितना गजब का लगता है भाई साहब, हम लोग जो लोकेशन की बात कर रहे थे वो आने वाला है कुछ ही पल में। आपको ये देख सकता है गौतम बुद्ध का ये स्तूप है, मूर्ति है जो यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देखिए ये गौतम बुद्ध का मूर्ति कितना अद्भुत लगता है, देख के दिल खुश हो जाता है। ये नजारा कितना ही प्यारा है, क्या मोल मास्टर। अब ये रास्ते का कुछ सुकून भरी रास्ते, ऐसे रास्ते पे चलने में तो मजा है ना, लॉन्ग ड्राइव के लिए चाबी का चलता हुआ गाड़ी, पहली बार आप लोग देख सकते हैं बिना गाड़ी का चलता हुआ गाड़ी। ये देखिए चुन्नी का हाल, जो गर्मी में हो चुका बेहाल, चुन्नी का व्यू कुछ आपको दिखाते हैं, ऐसे हमारे यूपी बिहार में कैसा होता है चुन्नी आप लोग देख सकते हैं। बना हुआ है, इनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ। मीनापुर में एक मूर्ति स्तूप है, आप लोग देख सकते हैं स्वर्गीय जनक सिंह का ये मूर्ति है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे काम किए होंगे तभी मूर्ति बनता है। बहुत अच्छे आदमी होंगे, बहुत अच्छा काम यहाँ के लिए किए होंगे तभी इतना अच्छा होता, मतलब नंबर पर उनका मूर्ति है, क्या ही करती बात उनके लिए। आपको दिखाते हैं कुछ व्यू, ये जो मार्केट है आप लोग देख सकते हैं, इसको कहते हैं गंज बाजार, जो यहाँ के लोग वो अच्छे से जानते होंगे, जो मेरे कुछ सब्सक्राइबर होंगे यहाँ के होंगे तो वो पक्का जानेंगे गंज बाजार। बहुत अच्छा छोटा सा मतलब मार्केट और बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा और अच्छा है गंज बाजार, गंज बाजार देखते हैं सारा कुछ अवेलेबल है इस मार्केट में, क्या चाहिए, एक गाँव में ऐसा ही मार्केट होना चाहिए। और कहेगा जाम है भाई साहब, जाम जाम जाम, क्रैश क्रैश, OMG लग चुका है जाम, गंज बाजार हो चुका है जाम, लग चुका है जाम, हालत खराब है, बड़ा लंबा जाम है, क्या है पता किस लिए जाम है पता नहीं, पर जाम है गंज बाजार हमेशा लगते रहता है। यहाँ नॉर्मली है, नॉर्मली बात है, यहाँ पे हमेशा छोटा सा मार्केट है, इसमें बहुत सारा ट्रक बस ये सब चलता है, इसकी वजह से जाम लगते रहते हैं। मजा आ गया यहाँ पे, क्या अनमोल जी बहुत मजा आ गया। तो चलते आप सीधा अपने घर की तरफ, लोकेशन तो आपको पता चल ही गया, अब घर जाते हैं मस्ती करते हैं। लोग आ गए अपना खेत, इसका ब्लॉग आप डाले थे एक टाइम, आप लोग देखे होंगे मेरे चैनल पे अपना खेत का, उसी साइड हम लोग यार यहाँ का कुछ नजारा, ओह माय गॉड क्या व्यू है। और यहाँ पे हीरो का एजेंसी है, गाड़ी फ्री में मिल जाती तो मजा नहीं आ जाता क्या अनमोल जी, वो गाड़ी एजेंसी से टैक्सी दे देते हैं चलने के लिए, मजा नहीं आता।
गांव का नजारा ही कुछ अलग होता है दोस्तों, आप लोग को पता है कितना मजा आता है। टाउन से ज्यादा गांव में मजा आता है लोगों को, ऐसा हरियाली और ऐसा नेचर गांव में कहाँ मिलेगा, टाउन में कहाँ मिलेगा। तो ये सब चीज आपको गांव में देखने को मिलेगा, अलावा कहीं नहीं। देखिए कितना लोकेशन मस्त और प्यारा है। Our hearts beat to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Close the इंदिरा गांधी चौक का नजारा, ये इंदिरा गांधी का मूर्ति बना हुआ है और ये जापान पुल का नजारा। कितना ट्रैफिक है भाई, और अभी पुल पे कुछ काम चल रहा है। ये हमेशा बिजी पुल रहता है, हमेशा यहाँ पे जाम ना मिले तो कह ही नहीं सकते, थोड़ा ना थोड़ा हमेशा आपको जाम मिलेगा। तो चलिए इसका नज़ारा ले। तो अभी बहुत कुछ यहाँ पे न्यू चीज ओपन हुआ, ज्यादा तो होटल ही हुआ है, जैसे किधर कन्हैया स्वीट्स नया ओपन हुआ है और ये लस्सी से किधर ये भी नया ओपन हुआ है। इधर है भैया जी वो चाय वाला भी ओपन हुआ है और इधर बेकरी फूड्स, ये भी अच्छा खासा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मतलब खास करके ज़्यादा यहाँ पे रेस्टोरेंट है। और मेरा लंगोटिया, बारह में लंगोटिया। और ये हमारा SKMCH का गेट, इधर से नहीं चलिएगा। और चलिए SKMCH के अंदर इन कर चुके हैं। और कुछ व्यू SKMCH का भी आप लोग देख लीजिए। ओह माय गॉड, टेम्पो वाले भैया लगाइएगा क्या। और ये इमरजेंसी साइड का है, उधर CTSKM, इधर प्रधानमंत्री योजना वाला जो दवाई चलता है वो मिलता है। और आज बहुत कम भीड़ है यहाँ पे, नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पे जाम ही जाम रहता है। ये मंदिर तो आपको याद होगा, यहाँ पे क्या मेला लग गया था, भव्य मेला लगा था जो ब्लॉग में डाले थे, आप लोग देखे थे। और ये मंदिर तो क्या ही कहे, एक अद्भुत मंदिर है। यहाँ पे आने का मन एकदम शांति फील होता है, कितना भी टेंशन लेके आइए तुरंत गायब हो जाएगा। क्या अनमोल, हम तो रो जाते हैं। तो ये हमारा कुछ प्यारा सा SKMCH का नज़ारा है, आप लोग देखिए। और अब चलते हैं घर। तो फाइनली हम अपने मोहल्ला में आ चुके हैं और ये कुछ प्यारा सा व्यू है हमारे मोहल्ला का। चलते हैं अब सीधा घर। तो इंटर कर रहे हैं अपने मोहल्ले में और ये है JRP मिशन स्कूल, एडमिशन ओपन है।
आप लोग करवा सकते हो। आ गए हम अपने गली में। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर। तो आने का हालत ख़राब हो चुका, इतना सारा धूप था तो हालत ख़राब हो गया, थक भी गया। तो बहुत सारा मज़ा आया इस राइड में, बहुत सारा फन हुआ, न्यू जगह जाने का एक नया एक्सपीरियंस मिलता है सब कुछ, तो बहुत मज़ा आया। तो आई होप आप लोगों ने भी ये राइड इन्जॉय किया होगा। तो यार जल्दी से जल्दी इस पर प्यारा सा कॉमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और जल्दी से जल्दी 1K जरूर पुराए। 1K पे बहुत सारा सरप्राइज आने वाला है, ट्रैवल ब्लॉग, मैरिज ब्लॉग, मतलब वेडिंग ब्लॉग, सारा कुछ लगातार अभी ब्लॉग आएगा, बहुत अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग। तो आप लोग अपना प्यार जल्दी से जल्दी और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।